के खेल मैदान से देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ सफाई मित्रों का सम्मान किया बल्कि सफाई कर्मचारियों ने नमस्ते किट और प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक भी बांटे। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जी ने देश में जो कार्य किया है उसमें आज के दिन भी एक बहुत बड़ा योगदान है, शुरुआत उन्होंने की है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से जन भागीदारी का आह्वान स्वच्छता के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उद्घोष एक दशक में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो गया है और देश में निरंतरता से बदलाव का प्रतीक है। इस दशक के दौरान इस अभियान की वजह से, प्रधानमंत्री की शुरुआत की वजह से लोगों की मानसिकता में क्रांतिकारी और व्यापक परिवर्तन आया है। स्वच्छता के प्रति उनकी दृष्टि बदली है। अब कोई चलती गाड़ी से केले का छिलका नहीं फेंकता है, अब कोई सड़क के ऊपर रद्दी फेंकते हुए चार बार सोचता है, पहले ऐसा कभी नहीं था। मित्रों भाई बहनों, हमको पता है कि वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से और उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की गई थी। उस समय बहुत कम लोगों को इस बात की कल्पना होगी कि यह परिवर्तनकारी यात्रा इतनी प्रभावी बन जाएगी। देश के 100 करोड़ से ऊपर के लोग इस अभियान के साथ एक साथ जुड़ जाएंगे और इसमें भारत स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत अगर मैं बजट की बात करूं तो इसके लिए 5 साल के लिए पहले 62,000 करोड़ रुपए का बजट ये तय किया गया था जिसको खर्च किया गया और 2021 के बाद 2026 तक ये बजट लगभग 2.5 गुना अर्थात 250% 1,50,000 करोड़ रुपया ये कर दिया गया है ताकि किसी